हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपके इन तमाम चैनलों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने आज हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहां जो है मौका हमें दिया है। यहां पर आज केरोसिन एसोसिएशन की जानिब से एक छोटा सा एजाज हमने किया, जिसकी सदारत हमारे हाजी मोहम्मद अफजल लोन ने की। हमारी ये डिमांड है, हमारी ये गुजारिश है, हम इंसाफ चाहते हैं, हम जस्टिस चाहते हैं। हमें एक साल से जो है केरोसिन बंद कर दिया गया है, हमारे लिसेंस अभी तक रिन्यू नहीं हुए हैं, वो जो है एडी साहब के ऑफिस में पड़े हुए हैं। एक तो हमारे लिसेंस मिलने चाहिए, दूसरा हमें केरोसिन ना दे, हमें उसकी गरज नहीं है, वो पब्लिक का और महकमे का इशू है। लेकिन हम ये चाहते हैं जो हमसे रोज़गार छीना गया, हमारे रोज़गार के लिए हम सरकार से और इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि हमारे रोज़गार का सोचा जाए। हमें अगर तेल बंद कर दिया गया है एक साल से, और हम ये चाहते हैं कि हम आज इसलिए यहाँ जमा हुए कि हमारे रोज़गार का गवर्नर साहब से हम गुजारिश करते हैं कि हमारे रोज़गार का सोचा जाए। हम अनएम्प्लॉयड लोग हैं, हमने 20-20 साल महकमे में काम किया है, आज भी हमारे डिपो जो है वो बंद पड़े हुए हैं और हम किराया भर रहे हैं जेब से। प्राइवेट डीलर हम काम कर रहे थे, लिसेंस की फीसें हमने भरी हुई है, लिसेंस हमारे एडी साहब के दफ्तर में पड़े हुए हैं। लेकिन हम बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहेंगे कि विंटर जोन हमारा ये आता है, कश्मीर में तेल जा रहा है, किश्तवाड़ में तेल जा रहा है, लेकिन हमारे विंटर जोन में तेल नहीं आ रहा है। ये हमारे एडी साहब की ज्यादती है हमारे इलाके के साथ कि जिन्होंने हमारे तेल को बंद करवा दिया है। हम तेल का मुतालबा नहीं करते हैं, हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारे रोज़गार के लिए खुदा ना कुछ सोचा जाए। यहाँ आज हम इकट्ठा हुए हैं, इसका मकसद इतना है कि हम डीलर एसोसिएशन मंडी की जानिब से सरकार से, गवर्नर इंतज़ामिया से और डिपार्टमेंट सीएपीडी से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपने अरसा 9 या 10 महीने से तेल की जो बहाली थी वो बंद कर दी है, तो उसके इवज़ में जो है हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमने 20-20, 30-30 साल डिपार्टमेंट को, हमारे वालदैन ने, आज हम काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट के साथ, तो पिछले 10 महीने तक हम काम कर रहे थे डिपार्टमेंट के साथ, और 9-10 महीने से जो है तेल वो बंद हो चुका है। तो हमें तेल की, हमारी डिमांड तेल की नहीं है, तेल की डिमांड पब्लिक की होगी, पब्लिक को चाहिए होगा तो वो सड़कों पे आएंगे, वो उनका मसला है। हमारा मसला सिर्फ इतना है कि हमने अगर अपनी पूरी उम्र जो है इस डिपार्टमेंट के साथ, इस डिपार्टमेंट की खिदमत में गुजारी है, तो कम से कम हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, हमें कोई रोज़गार मिलना चाहिए इस डिपार्टमेंट की तरफ से। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और हमारे जो आला अफसरान हैं उनसे, कि हमें जो है इंसाफ दिया जाए और हमें कोई रोज़गार दिया जाए। उसके अलावा अरसा एक साल से हमारे लाइसेंस जो है वो एडी दफ्तर में है या टीएसओ दफ्तर में है, हमने रिन्यू के लिए दिए थे, हमें वो भी अभी तक वापस नहीं मिले हैं। और हम हालांकि हम हर साल जो है लाइसेंस की जो रिन्यू करने की फीस होती है वो भरते आ रहे हैं।